22 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज, बी का कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे 1, 4। चलिए हम लोग यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, इसका एक डायमीटर यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, डायमीटर हम लोग ये आपका ए बी ले लेते हैं और यहाँ बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 4। ए का कोऑर्डिनेट निकालना, जबकि इसका सेंटर हम लोग ओ ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर एंड ए बी इज अ डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां हम लोग ए का कोऑर्डिनेट ऐसे एक्स वाई ले लेते हैं, लेट ए का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग एक्स वाई यहाँ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, एक्स प्लस 1/2 और वाई प्लस 4/2 इक्वल टू 2, -3। अब इसके बाद देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और यहाँ हो जाएगा आपका वाई प्लस 4/2 इक्वल टू में -3। तो यहाँ एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 4 यानी एक्स का वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगा और y प्लस 4 इक्वल टू -6 यानी y के वैल्यू यहाँ से -10 आ जाएगा, यानी कि हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं कि a का जो कोऑर्डिनेट होगा, a का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा 3, -10, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर